अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, आज आपने किसके साथ खेलें पेज नंबर 32 और पेज नंबर 33 पढ़ना है। शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था जो मकड़ी है वो भी उसको कह देती है साजिद को कि मुझे भी बहुत काम है और वो चली जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कह कर उसने अपने मुंह से ढेर सारा थूक निकाला। मकड़ी ने जब उसे कहा ना मुझे बहुत काम है, तो उसके बाद जो है वो आगे उसने फिर क्या किया, एक पौधे पे जाके बैठी और उसने क्या किया, अपने मुंह से ना थूक निकाला ढेर सारा। ये कह कर उसने अपने मुंह से ढेर सारा थूक निकाला और उससे बहुत बारीक धागा खींचा। वो जो थूक था उससे उसने एक बहुत बारीक धागा सा जो है ना वो बनाया था और उससे बहुत बारीक धागा खींचा। फिर वो चनबेली की शाखों में एक खूबसूरत जाल बुनने लगी। इसको आपने बनने नहीं पढ़ना, ये बुनने है, मीन्स वो एक जाल बनाने लगी। वो जो जाला आप देखते हैं ना वो दीवारों पे लगा हुआ होता है, तो वो असल में ये जाल होता है, जाला होता है ना, वो ऐसे उस तरह का ही बन गया। फिर वो चनबेली की शाखों में एक खूबसूरत जाल बनाने लगी। आगे है, अरे साजिद ने कहा, मेरे साथ खेलने पर कोई भी राजी नहीं होता। राजी कहते हैं मानता नहीं, खेलता नहीं उसके साथ कोई। अरे साजिद ने कहा, मेरे साथ खेलने पर कोई भी राजी नहीं होता, शायद बिल्ली, शहद की मक्खी और मकड़ी का कोई दिन भी छुट्टी का नहीं होता। अब देखो साजिद को बिल्ली ने भी कह दिया मुझे काम है, शहद की मक्खी ने भी कह दिया मुझे काम है, मकड़ी ने भी कह दिया मुझे काम है, तो फिर साजिद ने कहा मेरे साथ तो कोई भी खेलने के लिए राजी नहीं है, शायद इनको ना कभी छुट्टी नहीं होती है इसलिए ये हर टाइम काम करते रहते हैं। शायद बिल्ली, शहद की मक्खी और मकड़ी का कोई दिन भी छुट्टी का नहीं होता। आगे है, साजिद अपने कमरे में वापस आ गया। साजिद अपने कमरे में वापस आ गया। उसने अलमारी से कुछ सफ़ेद, इसको आपने सफ़ेद नहीं पढ़ना, सफ़ेद कागज़ और रंगीन पेंसिलें, इसको आपने पेंसिलें या पंसलें नहीं पढ़ना, ये पेंसिलें निकाली। जब वो मायूस हो गया, उसके साथ कोई भी नहीं खेला, वो वापस अपने कमरे में आया। उसने अपनी अलमारी से कागज़ निकाले और अपने कलर्स निकाले, रंगीन पेंसिलें मतलब उसने कलर्स निकाले। साजिद ने सफ़ेद कागज़ पर बिल्ली, शहद की मक्खी और मकड़ी की रंगीन तस्वीरें बनाई। फिर उसने क्या किया, साजिद ने ये देखें, उसने एक पेज पे मकड़ी भी बनाई, बिल्ली भी बनाई, उसने शहद की मक्खी भी बनाई और उसने साजिद यानी अपना आप भी बना दिया उसमें। फिर उसने अपनी भी एक तस्वीर बनाई। तस्वीर में शहद की मक्खी, मकड़ी और बिल्ली साजिद के साथ खेल रही थी। अब देखिए वैसे तो उसके साथ कोई भी नहीं खेला ना, सब काम में बिजी थे, मसरूफ़ थे, तो उसने क्या किया, जो उसने ड्राइंग की है, उसने तस्वीरें बनाई हैं, उसमें साजिद इन तीनों के साथ खेल रहा है, बिल्ली के साथ, मकड़ी के साथ, शहद की मक्खी के साथ। फिर से रीडिंग करते हैं। ये कह कर उसने अपने मुंह से ढेर सारा थूक निकाला और उससे बहुत बारीक धागा खींचा। फिर वो चंबेली की शाखों में एक खूबसूरत जाल बुनने लगी। अरे साजिद ने कहा, मेरे साथ खेलने पर कोई भी राजी नहीं होता, शायद बिल्ली, शहद की मक्खी और मकड़ी का कोई दिन भी छुट्टी का नहीं होता। साजिद अपने कमरे में वापस आ गया। उसने अलमारी से कुछ सफ़ेद कागज़ और रंगीन पेंसिलें निकाली।
साजिद ने सफ़ेद कागज़ पर बिल्ली, शहद की मक्खी और मकड़ी की रंगीन तस्वीरें बनाईं। फिर उसने अपनी भी एक तस्वीर बनाई। तस्वीर में शहद की मक्खी, मकड़ी और बिल्ली साजिद के साथ खेल रही थी। अब आपने इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।